गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो आज मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम. सो आज है डे वन और मेरा फ्लाइट जो है वो है लगभग 1:30 बजे और मेरा जो फ्लाइट पहुँचेगा वो 3:30 बजे पहुँचेगा और उसके बाद हम जाएंगे होटल और होटल जाने के बाद चेक इन प्रोसीजर होगा और उसके बाद हम सोचे हैं क्या कुछ बीचेस वगैरह जा जाएंगे और कुछ लोकल स्ट्रीट फूड क्या शॉपिंग थोड़ा कर लेंगे. तो आज का दिन कुछ ऐसा ही है. तो पूरा वीडियो आप अगर पूरा देखोगे फिर आपको पता लगेगा कि बेसिकली हुआ है क्या. फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट तो चलते हैं. अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट. तो अभी हम जाएंगे विशाखापट्टनम. फाइनली मैं पहुंच गया हूं विशाखापट्टनम और ये उसका एयरपोर्ट. अभी हम बैग लेके जाएंगे घूमने. तो फिर चलते हैं. तो मैं आ चुका हूं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट और बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट. तो अभी हम जाएंगे होटल की तरफ. होटल में अभी हम जाएंगे लंच करने और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे. तो चलते हैं. तो मैं फाइनली अभी लंच करूंगा. तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं ये रेस्टोरेंट खाने के लिए क्योंकि यहां पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है. तो मैं अभी दिखा रहा हूं आप मैं क्या खाया. लंच बहुत ही अच्छा था. बहुत अच्छा लगा खाने के लिए. और मैं अभी निकल रहा हूँ साइट सीन के लिए. तो अभी तो फिलहाल इवनिंग हो गया है. बस जितना हो सकता है साइट सीन करके आ जाएंगे. तो फिर चलते हैं. फाइनली मैं आ पहुंचा हूं कैलासगिरी में. अभी हम रोडवेज में जाएंगे कैलासगिरी की तरफ. तो मेरा कार वहां पे है. तो फिर चलते हैं. कैलासगिरी में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और कितना प्यारा है. तो चलिए. आप कभी भी आ रहे हो कैलासगिरी तो ये व्यू कभी मत छोड़ना. बिल्कुल देख के जाना. देखने का लायक है. ये जो रेस्टोरेंट है मेरे बिल्कुल मेरे पीछे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे खाने के लिए. बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका. तो इफ अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ज़रूर खा के जाना. तो फाइनली मैं डिनर करके आ गया हूँ और एनर्जी अभी भी नहीं है. बस सोने का मन हो रहा है. सुबह मैं बोला था शॉपिंग करने जाएंगे तो वो नहीं हो पाया. बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ. तो चलते हैं. मैं अभी सोने जा रहा हूँ. सी यू टुमारो.